सुंदरनगर प्रेस क्लब ने हिंदी दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें स्थानीय विधायक राकेश जम्वाल ने अपनी उपस्थिति मुख्य अतिथि के रूप में दर्ज कराई। इस मौके पर क्लब के प्रधान सुरेंद्र शर्मा और सचिव बलविंदर सोडी ने मुख्य अतिथि को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार रोशन वाली ने अपने संबोधन में हिंदी दिवस के ऊपर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि आज हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसे संजोकर रखना हम सबका कर्म है। विधायक राकेश जम्वाल ने हिंदी के बारे में अपने संबोधन में कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने कार्यक्रम और कार्यालयों में हिंदी को बढ़ावा दें। हिंदी हमारे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में पहचान बनाई जा रही है। जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना भाषण अमेरिका में हिंदी में दिया था, उससे हिंदी भाषा को एक सम्मान मिला है। अब हमारा फर्ज है कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस मौके पर सुंदर नगर प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं इससे पहले हिम साहित्य परिषद हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था वृद्धाश्रम सुंदरनगर में, वहां पर भी गया था और वहां पर भी उन्होंने आज हिंदी दिवस पर महान विभूतियों को सम्मानित किया जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया है, चाहे वो काव्य रचना हो, चाहे वो खेलों के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य जिन लोगों ने सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम किया उनको वहां पर उन्होंने आज सम्मानित किया। हम सब जानते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी का जिस प्रकार दीप सोनी जी ने कहा कि आज के इस हिंदी दिवस पर हम सब लोग प्रतिज्ञा लें कि हम प्रयास करेंगे कि अपना अधिकतर कार्य हम हिंदी में करें, क्योंकि आज हिंदी भाषा का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार हो रहा है, आज पूरे दुनिया में हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है, हिंदी को समझने वालों की संख्या बढ़ रही है। जैसा कहा गया कि अमेरिका में भी जब राष्ट्रपति का चुनाव का प्रचार चल रहा था तो वहां पर भी हिंदी का उपयोग किया गया।